इधर जयपुर में NIMS VV में ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 2019 का थीम ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स है, जिसका कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर वी इंदिरा ने बताया कि वर्तमान युग उपभोक्ताओं के अधिकार का युग है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए संसद ने काफी कानून भी बनाए हैं। आज के तकनीकी युग में हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BN मंडल ने कहा है कि आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है देश के हर नागरिक को उपभोक्ता के तौर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसमें कौशल तोमर ने कहा है कि उपभोक्ता से ही देश की अर्थव्यवस्था चल रही है और उन्होंने उपभोक्ता डीलर के खिलाफ शिकायत करने के प्रोसेस को ऑडियंस को समझाया। डॉक्टर एंटनी ने बताया कि कोई भी चीज खरीदते समय उपभोक्ता अपने अधिकारों को ध्यान में रखे। वस्तु पर खुदरा मूल्य सभी कर समेत लिखा जाता है, दुकानदार को मुद्रित मूल्य से ज्यादा दाम ना दें। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित कौशल तोमर ने कहा कि इस अवसर पर डॉक्टर मनोज सूर्यवंशी, डॉक्टर लवली भाटी, डॉक्टर दीपाली सिंह, डॉक्टर पंचानंद आशुतोष झा और अलका विजय और NIMS स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी के सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज 15 मार्च ह्यूमैनिटी स्कूल ने इंटरनेशनल वर्ल्ड कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट किया है और ये 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी स्कूल में 14 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने बेसिकली इसमें कंडक्ट करने में मदद किया है और स्टूडेंट्स पूरी जो भी क्लासेस नहीं है उन्होंने पूरी सेमिनार में अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया है, स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया है। इंडिया में बेसिकली एक प्रॉब्लम हम रिपीटेडली नोटिस करते हैं, हम एक कॉम्प्लेसेंसी को बिल्डअप कर लेते हैं, इट्स ओके चल रही है तो चलने दो करके, बट अपने राइट्स के प्रति अपन जागरूक नहीं होते हैं। जागरूक कराना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और एजुकेशन टू सम एक्सटेंट इसके लिए मदद करती है। हम उनको बताना एंड वी शुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर coming।